एक साल वहाँ पर पढ़ा है अमेरिका में। और अगर यहाँ पे कोई बच्चा आता है और उसका अगर कोई सपना है, अगर वो यहाँ पे अच्छे से मेहनत करे तो उसका एक ना एक दिन उसका सपना जरूर पूरा होता है। आपका क्या सपना है? मेरा सपना एक IAS ऑफिसर बनने का है, और मुझे पता है कि यहाँ स्कूल ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है और मैंने खुद भी मेहनत किया है। मुझे पता है कि मैं अगर ऐसी मेहनत करती रही तो मैं एक दिन अपना सपना पक्का पूरा करती। फर्स्ट बार जब मैं इस स्कूल में आई थी तो मैं बस स्कूल को ही देखती रह गई थी, क्योंकि मैं पहली बार इतने बड़े स्कूल को देखी थी और मैं सोच नहीं सकती थी कि मेरे यहाँ पर एडमिशन होगा। ये स्कूल इतना अच्छा स्कूल है कि शायद गाँव का एक बच्चा जो कभी सोच नहीं सकता था कि वो कहाँ से कहाँ चला जाएगा। ये स्कूल अमेरिका जाने का एक प्रबंध करता है। जो बच्चे अपने मेहनत और लगन से पढ़ाई करते हैं उनको एक मौका मिलता है कि वो अपने जाके अपने गांव का, अपने देश का नाम दूसरे देश में रोशन करें। लाइक मेरे स्कूल ने मुझे एक चांस दिया है कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूँ अमेरिका में। ये एक रिसर्च सेंटर है बच्चों के लिए, पढ़ने के लिए एक रिसर्च है। वो लोग सपने लेके उनके गांव में हैं, लेकिन उनको कुछ साधन नहीं था कि वो उनके सपना पूरा कर सके। और ये बच्चे बहुत टैलेंटेड है, अभी तक वो टैलेंट क्या है वो गांव में दबा रहा। अभी हम इतना अपॉर्चुनिटी उनको दे रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी में वो अभी निखार रहे हैं। सो सिक्स क्लास में वो पहले एडजस्ट होते हैं, सेवन्थ एट्थ में एक्चुअली उनका कॉम्पिटेंसी पूरा वो बाहर देते रहते हैं। तो हर एक फील्ड पे हम एकेडमिक्स में और आर्ट में, डांस में, म्यूजिक में और जिसमें भी बच्चा जाना चाहता है वो सब में हम बच्चों को एंकरेज करते रहते हैं। बच्चे देश का भविष्य हैं और इन बच्चों के भविष्य को संवारा जा रहा है इस विद्याज्ञान स्कूल में। शिवनादर फाउंडेशन के तहत संचालित इस विद्यालय में गांव के गरीब बच्चों को न सिर्फ आधुनिक शिक्षा प्रदान की जा रही है बल्कि उन्हें वो सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं जिनकी शायद उन्होंने गांव के परिवेश में रहते हुए कल्पना भी नहीं की होगी। नीरज श्रीवास्तव, ETV भारत, सीतापुर।